आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। तो यहाँ जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, तो ये आम आदमी को बड़ा झटका लगने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि गैस की कीमतों में 25.50 रुपए का इजाफा किया गया है। तो यहाँ कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 84 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से 84 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, आम आदमी को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा है। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो सरकार की तरफ से यहाँ एक मुश्किलें पैदा की गई हैं। आपको बता दें कि आम आदमी को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा है। यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बढ़ ही रही थी, अब सिलेंडर की कीमतों में भी 84 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। आम आदमी के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल बढ़ रहा था, अब फिलहाल महंगाई चरम सीमा पर है और अब गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। गैस की कीमतों में 25.50 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की बात कर ली जाए तो कीमतों में 84 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो यहां आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से कल अमूल दूध को भी महंगा किया गया था, अब फिलहाल गैस सिलेंडर को भी महंगा कर दिया गया है। लगातार 33 से 34 दिनों से गैस सिलेंडर, माफ कीजिए, 34 से 33 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। तो लेकिन अब यहाँ एक तरफ तो अमूल दूध महंगा कर दिया गया है और अब सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज, जियोटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।